हेलो गाइस होप सो यू विल बी फाइन आज की जो वीडियो है दैट इज डेडिकेटेड टू द टॉपिक कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर क्या होता है जावा के अंदर कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है विच इज़ यूज्ड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स ठीक है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जावा के अंदर इसको बहुत अच्छे समझना समझना ऑब्जेक्ट ओरिएटेड प्रोग्रामिंग में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है तो सबसे पहले आपको समझना है कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है ये एक मेथड की ही टाइप है या फंक्शन ऑब्वियसली आप पिछली वीडियो देखिए तो आपको समझ आ गया होगा कि आप फंक्शन को ही मेथड बोलते हो ठीक है बट क्लास के अंदर आप उसको मेथड बोलते हो तो ये मैं मेथड ही वर्ड आइंदा यूज़ करूंगी तो आपको समझ आ जाए कि यह मैथड है ठीक है तो एक टाइप ऑफ मैथड विच इज़ यूज टू इनशियलाइज ऑब्जेक्ट ठीक है जब भी आप ऑब्जेक्ट को कॉल करते हो तो उसके साथ ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है जिसकी वजह से आपके जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो भी आपके डाटा मेम्बर्स हैं वो इनिशियलाइज हो जाते हैं तो सबसे पहले मैं एक कंस्ट्रक्टर को बनाने का आपको तरीका बताती हूँ तो इसका तरीका वैसे तो सेम मेथड जैसे ये बट कुछ चीज़ें जिसको आपने हमेशा माइंड में रखना है पहली चीज़ ये कि पब्लिक होता है ये हमेशा ठीक है इस चीज़ को आपने हमेशा माइंड में रखना है क्योंकि जो वैसे मेथड होता है वो प्राइवेट भी हो सकता है बट कंस्ट्रक्टर हमेशा हमेशा पब्लिक ही होता है पहली चीज़ ये दूसरी चीज़ ये कि मेथड की हमेशा रिटर्न टाइप होती है बट कंस्ट्रक्टर की कभी रिटर्न टाइप नहीं होती ओके तो इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी तीसरी चीज़ ये कि कंस्ट्रक्टर हमेशा उसी नाम का बनता है जिस नाम की आपकी क्लास होती है ठीक है मेथड तो आप अलग नाम से भी बना सकते हो बट कंस्ट्रक्टर उसी नाम का होगा जिस नाम की आपकी क्लास होगी जैसे यहाँ पर मेरी क्लास का नाम ही कंस्ट्रक्टर है तो मैं यहाँ पर अपने कंस्ट्रक्टर का नाम भी कंस्ट्रक्टर ही रखूँगी ओके ठीक है तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी उसके बाद बाकी अपने सेम पैरथिस जैसे आप मेथड में लगाते हो वही लगानी है और दैट्स इट ये आपका बन गया कंस्ट्रक्टर आप इसका काम क्या है इनिशियलाइज करते हो ऑब्जेक्ट्स को तो उसके लिए पहले मुझे कुछ डेटा मेंबर्स बनाने पड़ेंगे जैसे आप क्या करते हो एक आपने रोल नंबर का वेरिएबल बनाया हुआ है अगर ठीक है तो ये रोल नंबर वेरिएबल सिंपल डिक्लेयर्ड है अब आप इसको यहाँ पर इनिशियलाइज कर देते हो इससे क्या होगा ठीक है इससे यह होगा कि जब भी आपको ऑब्जेक्ट कॉल होगा तो ये चीज़ आपकी ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी या यहाँ पर मैं साथ में एक प्रिंट स्टेटमेंट भी लिख देती हूँ जिससे मुझे पता चल जाएगा कि ये मेरा सही कंस्ट्रक्टर बना है या नहीं तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कंस्ट्रक्टर अगर मेरी आउटपुट स्टेटमेंट में मुझे कंस्ट्रक्टर शो होगा तो इसका मतलब है कि मैंने सही बनाया है कंस्ट्रक्टर ठीक है तो मेन फंक्शन बना लेते हैं और उसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो ही मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी मुझे इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है मेथड को तो आप हमेशा कॉल करते हो उन्हें इसको कोई कॉल करने की ज़रूरत नहीं जो ही मैं ऑब्जेक्ट बनाती जाऊंगी मेरा ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा ठीक है तो अभी मैं क्या करती हूँ मैं यहाँ पर मेन uh, फंक्शन बनाती हूँ ठीक है मेन फंक्शन बनाने का तरीका मैंने बताया वह है बहुत दफ़ा सो आई एम नॉट रिपीटिंग दैट आप मेन फंक्शन में आओगी और मैं सिर्फ सिर्फ अपनी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाऊंगी ठीक है कंस्ट्रक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट का आपको तरीका पता है ठीक है आप क्लास का नाम लिखते हो उसके साथ आप अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हो जो भी आप नाम देना चाहते हो इक्वल्स टू न्यू का की वर्ड लिखते हो और फिर आप अपनी क्लास का नाम लिखते हो और टर्मिनेटर लगा देते हो तो आपका ऑब्जेक्ट कॉल हो जाता होता है अब यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया है एक ऑब्जेक्ट को कहीं यूज़ नहीं किया बट मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करती हूँ तो आप देखोगे कि आप ये कंस्ट्रक्टर वाली स्टेटमेंट आपके पास एज एन आउटपुट आ जाएगी ये देखो आउटपुट आ गई ना कंस्ट्रक्टर इसका ये मतलब है कि जो ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो ये चीज़ मेरे पास आ गई ठीक है अब ये यहाँ तक आपको कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया अब ये जो ही मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया मेरे पास रोल नंबर की वैल्यू इनिशियलाइज होगी इससे पहले मेरे पास रोल नंबर की वैल्यू निशलाइज्ड नहीं थी ठीक है तो ये चीज़ होती है हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर इसके अंदर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग वो ये होता है कि आप एक ही नाम के बहुत सारे कंस्ट्रक्टर्स बनाते हो बट अगर आप एक नाम के बहुत सारे मेथड्स बनाते हो तो आप एरर आ जाते तो आप कंस्ट्रक्टर बनाओगे तो ऑब्वियसली तो एरर आएगा तो इस चीज़ को रिजॉल्व किया जाता है पैरामीटर्स के थ्रू आप नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज कर देते हो जैसे मैंने एक पैरा एक ये जो कंस्ट्रक्टर बनाई है विदाउट एनी पैरामीटर मैं एक और कंस्ट्रक्टर इसी को ही उठा करके एक और कंस्ट्रक्टर बना लेती हूँ जिसका मैं एक पैरामीटर दे देती हूँ ठीक है ये देखो पैरामीटर अब उसमें अब देखो एरर आ गया ना दोनों सेम थे बट मैं यहाँ पे क्या करती हूँ मैं एक पैरामीटर दे देती हूँ कि जब भी ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा मेन से तो ये यहाँ पे एक पैरामीटर आएगा और यहाँ पे मैं उस पैरामीटर की वैल्यू आउटपुट शो कराऊँगी ठीक है रोल नंबर इज़ रोल नंबर इज़ प्लस करके प्लस का कर क्या मतलब है कॉन्कैटिनेशन आप कह रहे होते हैं और यहाँ पे मैं इस अपने रोल नंबर वाले वेरिएबल को ये चीज़ मैं कमेंट कर देती हूँ क्योंकि मैं वैल्यू मेन से पास कर हूँ क्योंकि यहाँ पे कॉल होगा ना तो यही चीज़ अब मैं बनाने का सेम तरीका है तो मैं वही चीज़ दोबारा से यहाँ पे बना रही हूँ बट विद द नेम डिफरेंट क्योंकि तो मुझे नेम चेंज करना है मैं अलग से कंस्ट्रक्टर बना रही हूँ अलग ऑब्जेक्ट बना रही हूँ यहाँ पे मैं वैल्यू पास कर देती हूँ थर्टी सेवन कुछ भी मैंने पास कर दी ठीक है अब देखो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पर चला जाएगा अब मैं अगर इसको रन करती हूँ तो पहले मेरे पास एक आउटपुट है कंस्ट्रक्टर वो मेरे फर्स्ट वाले कॉल करने की वजह से आई ठीक है मैंने मेन के अंदर जो पहला वाला कंस्ट्रक्टर को ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था सेकेंड है मेरे पास जब मैंने पेमिटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल किया तो मेरे पास उसकी आउटपुट आई दैट इज़ रोल नंबर इज़ जो भी मैंने वैल्यू पास की होगी तो ये तरीका है कंस्ट्रक्टर को बनाने का ठीक है इसका काम क्या है कि सिंपल इनिशियलाइज हो जाती हैं वैल्यूज़ ठीक है और यहाँ तक मैंने आपको कंस्ट्रक्टर का बता दिया कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का बता दिया उसको इश्यूज़ क्या क्या आ सकते हैं उसको सॉल्व कैसे करना है आपने कैसे वैल्यूज़ जो है पैरामीटरवाइज बना के इसी तरह आप मैंने इंट वैल्यू पास किया आप स्ट्रिंग वैल्यू पास करो आप तीन तीन चार चार पैरामीटर्स पास करो आप डिफरेंट कंस्ट्रक्टर बना सकते हो तो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी बाकी ये है कि कोई क्यूरीज है तो पूछ लो एंड लाइक uh, like कर दो ऑब्वियसली अगर समझ आ रही है तो ये तो बनता है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग